दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि मुंबई में अगर आप एक बार आते हैं तो आप इस शहर की चकाचौंध को देखकर बस इस शहर के ख्वाबों में ही खो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए सैर करते हैं मुंबई के कुछ और घूमने की जगहों के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारा सपनों के शहर मुंबई पर बनाया हुआ पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखें। जुहू बीच। जुहू बीच मुंबई शहर के सबसे मशहूर समुद्री तटों में से एक है, जो कि सांता क्रूज से लेकर विले पार्ले तक फैला हुआ है। इस समुद्री तट पर लोग समुद्र की लहरों के साथ साथ पाव भाजी, पानी पूरी, भेल पूरी का भी मजा लेने आते हैं। जुहू बीच पर सूर्यास्त का नज़ारा देखने में अलग ही मजा आता है। हर रोज यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं। जुहू बीच पर हर वक्त पुलिस की टीम भी तैनात रहती है। साथ ही जुहू बीच फिल्म निर्माताओं की खास पसंद है। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। तारापोर वाला एक्वेरियम। तारापोर वाला एक्वेरियम मुंबई के मशहूर जगहों में से एक है। इस एक्वेरियम में आपको 400 से भी ज्यादा प्रजाति की मछलियां देखने को मिल जाएंगी। ये मुंबई का बेहद ही आकर्षक तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मछली एक्वेरियम है। इस मछली घर में एक खास तरह का पुल भी बनाया गया है, जहां दर्शक इन मछलियों को छूकर उनका अनुभव भी कर सकते हैं। साथ ही ये मछलियां किसी को कभी नुकसान भी नहीं पहुंचाती। ये एक्वेरियम सचमुच लोगों को अपनी ओर काफी आकर्षित करता है। बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज। बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज को राजीव गांधी सी लिंक के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिज बांद्रा से वर्ली को जोड़ता है। इस ब्रिज को हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया गया था। ये पुल 30 से 40 मिनट की दूरी को सिर्फ 10 मिनट में ही पूरा कर देता है। अगर आप मुंबई घूमने आते हैं तो इस पुल का आनंद जरूर उठाएं। बांद्रा बैंडस्टैंड। बांद्रा बैंडस्टैंड समुद्र के सामने एक बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ पर ही कुछ कुछ दूरी में बॉलीवुड हस्तियों का घर भी है। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान का घर भी यहीं पर है। ये जगह कपल्स के लिए भी काफी मशहूर है। हैंगिंग गार्डन। हैंगिंग गार्डन मुंबई शहर घूमने वालों के लिए एक बेहतरीन जगह है। इस गार्डन को फिरोज शाह मेहता के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सन 1881 में बनाया गया था। ये गार्डन मालाबार पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ है। मुंबई की भागदौड़ जिंदगी में यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है। जानवरों की शक्ल में कटी झाड़ियों की ये आकृति इस गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए कई प्रकार के बेहतरीन झूले भी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।